अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम अपने इस डेटा में जो एग्जिस्टिंग डेटा हमने यहाँ पे प्लॉट किया था, इससे हम क्रॉस सेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये जो सरफेस है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अभी हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ और मैं इसको नो डिस्प्ले पे कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास अभी दो सर्फसेज रह गई हैं, एक टॉप के नाम से है और एक एग्जिस्टिंग के नाम से। ओके, OGL सर्फस। तो मैं इस पे अलाइनमेंट क्रिएट करता हूँ। क्रॉस सेक्शन के लिए हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, जनरली जो रोड वगैरह में हमारे क्रॉस सेक्शन होते हैं, ठीक है, वो सैंपल लाइन के आलमोस्ट पैरेलल ही होती हैं सर्फसेज। तो अभी ये वाली सर्फस आप देख रहे हैं, ये बहुत अनइवन सी ये सर्फस है। ठीक है, इसलिए ये जो मैंने अलाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं इस पर, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है स्टार्ट में भी और एंड में भी, ताकि हमारे सैंपल लाइन जो है वो सारी सरफेस को क्रॉस कर सकें इजीली। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ऑटोकैड एंट्री है इसमें अलाइनमेंट के लिए, तो मैं क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट से अलाइनमेंट स्टार्ट करता हूँ क्रिएट करना। मैंने पॉली लाइन को सिलेक्ट किया है, एंटर प्रेस किया है। अभी हमारे पास अलाइनमेंट की डायरेक्शन का मैसेज आ रहा है कि इसी डायरेक्शन में चाहिए आपको, हमें इसी में चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और मैं सिंपल इसको अलाइनमेंट का नाम देता हूँ। ओके, लेबल मुझे इसमें मेजर और माइनर ही चाहिए। ठीक है, और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो अलाइनमेंट हमारी क्रिएट हो गई है। अभी इस पर हमें सैंपल लाइन चाहिए जहाँ पर हमने अपने क्रॉस सेक्शन कट करने हैं। ठीक है, तो मैं सैंपल लाइन टूल पे जाता हूँ। ये प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यू पैनल में सैंपल लाइन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं अपनी ड्राइंग में आके राइट क्लिक करता हूँ और अलाइनमेंट को सेलेक्ट करके मैं ओके कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया है, यहाँ पे ये विंडो पॉपअप हुई है क्रिएट सैम्पल लाइन ग्रुप। तो इसमें हमारे पास बाई डिफॉल्ट जो सर्फेस शो हो रही हैं और हमारा OGL है और टॉप सर्फेस। OGL हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड है और टॉप वाला जो है वो हमारा डिज़ाइन सर्फेस है। तो मैं इसको फिनिश ग्राउंड का स्टाइल अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है, ठीक है, कि अलाइनमेंट के अलांग कोई भी बेस लाइन के अलांग कहीं भी आप क्लिक करके अपने सैंपल लाइन क्रिएट करना स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मैं जनरली ऑप्शन जो यूज़ होता है बाई रेंज ऑफ स्टेशन, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये इसका प्रॉपर्टी पैनल आ गया है, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है स्वैथ विड्थ दी गई है, मैं इसको 100 100 मीटर पे रख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आपके पास डाटा हो। तो मेरा डाटा इसके हिसाब से कंप्लीट इसमें सैंपल लाइन में आ जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा है मैंने इसको। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट अलॉन्ग टेंजेंट है, ठीक है, मैं इसको भी 2 मीटर रख रहा हूँ। ओके, ऐसे वाली सरफेस में जितना आपका ये इंटरवल कम होगा, आपकी क्वांटिटी उतनी ही एक्यूरेट आएगी। ओके, हम इससे भी कम रख सकते हैं, मगर मैंने इसको 2 मीटर पे रखा है और स्टार्ट और एंड में भी मैं रख रहा हूँ इसको। हालांकि इधर ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको ट्रू पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो सैंपल लाइन हमारे क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एस्केप प्रेस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टेशन है ये कुछ ओवरलैप हो रहे हैं, मैं इसका स्केल चेंज करता हूँ। ठीक है, 1:250। ओके, तो अभी ये जो स्टेशन वगैरह हैं वो हमारे सेट हो गए हैं। अभी इन सैंपल लाइन की मदद से हमें क्रॉस सेक्शन व्यू क्रिएट करने हैं। तो आप किसी भी सैंपल लाइन को क्लिक करें तो भी आपको ये क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आप होम टैब से करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ पर हमारी अलाइनमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सैंपल एंड कलेक्शन हमारे पास एक ही है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्टार्ट रेंज, एंड रेंज, अगर आपने पूरी अलाइनमेंट पे नहीं क्रिएट करने तो आप यूज़र स्पेसिफाइड पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी रेंज एंटर कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है कि अभी तक ये बाय डिफ़ॉल्ट दो हैं, तो मैं रोड सेक्शन को स्टाइल को सिलेक्ट करते हुए मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। मुझे ड्राइंग में करने हैं, मुझे शीट्स नहीं क्रिएट करनी, तो मैं ये ड्राफ्ट की ऑप्शन ले रहा हूँ। स्टाइल में मेरे पास एक ही स्टाइल है अभी, ये हम लोग अपना नेक्स्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑफसेट रेंज आ रही है -100 और
राइट साइड में 100 और लेफ्ट साइड में -100, तो हमने यही रखी है, हमें यही चाहिए, नहीं तो हम यूज़र स्पेसिफाइड से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको बाद में भी कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। मैं फिर इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। एलिवेशन रेंज भी मैं बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ रही हैं मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं अपने ड्राइंग में क्लिक करता हूँ, तो ये सेक्शन व्यू मेरे क्रिएट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये सिविल 3D में जो भी बाई डिफ़ॉल्ट सेक्शन है बिल्कुल वही स्टाइल है, हम इनको मॉडिफाई करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन हमारे बिल्कुल एक्यूरेटली, ठीक है, ये बन गए हैं। जो सरफस, जैसे भी सरफस हमारी थी, वो ऑलरेडी इसमें आ गई है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। मैं इसकी ग्रुप प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ओके। तो मैं ये जो स्टाइल है यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करंट सिलेक्शन, ओके। सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ, ओके। ओके, ये मैंने इसको नाम दे दिया है, ओके। अभी मैं डिस्प्ले टैब में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे इसका मेजर और माइनर जो ग्रिड है वो नहीं चाहिए, ये वाले जो ग्रिड हैं सबसे पहले मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो इससे हमारा जो सेक्शन व्यू है वो थोड़ा सा यूनिक हो गया है, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सारे सेक्शन जो हैं एक्यूरेटली जो है वो प्लाट हो गए हैं, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या करना है, अभी सबसे पहले जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमें हमारा वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं इसके लिए इसको सैम्पल लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। किसी एक सैम्पल लाइन को आप सिलेक्ट करें तो आपके पास सबसे पहले जो रिबन में चीज़ आती है वो कंप्यूटर मटेरियल की आती है, आप इस पर क्लिक करके, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने अपनी सैम्पल लाइन कलेक्शन जो है वो सेलेक्ट करनी है और अपनी मटेरियल लिस्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी ऑप्शन जो जनरली यूज़ की जाती है वो टूल स्पेस में सेटिंग टैब में, ठीक है। यहाँ से हम अपनी पहले एक मटेरियल लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वांटिटी टेक ऑफ में, यहाँ पे जाके क्वांटिटी टेक ऑफ क्राइटेरिया में जाएँ तो बाई डिफ़ॉल्ट कट फिल अर्थवर्क और मटीरियल लिस्ट है, यहाँ से भी हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कोई एक सैम्पल लाइन जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं सबसे पहले जाता हूँ ग्रुप प्रॉपर्टी सैम्पल लाइन, ओके। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अगर आपने अपनी सैम्पल लाइन को किसी को भी मॉडिफाई करना है तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, सबको एक साथ भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट को क्लिक करें, ओके, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट को क्लिक करें, और जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू एडिट करके अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अपना मटेरियल कंप्यूट करना है, तो यहाँ पे एक मटेरियल लिस्ट की ऑप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको क्रिएट करूँगा, ऐड न्यू मटेरियल, ओके। हमने अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ओके। हमारे पास फिल ही है इसलिए मैं इसको फिल क्वांटिटी का नाम दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको फिल लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको फिल सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे हमारी दोनों सर्फेसेस मौजूद हैं, मैं इनको वन बाय वन जो है वो मैं ऐड करता हूँ, ओके। यहाँ पे जो है OGL में जो एग्जिस्टिंग सर्फस है वहाँ पे हम अबव रखेंगे, और जो हमारी टॉप सर्फस है वहाँ पे हम बिलो सेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो मटेरियल हमारा कंप्यूट होना स्टार्ट हो गया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मटेरियल हमारा कंप्यूट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो सेक्शन में प्लाट हो गया है एक्यूरेटली, ओके। यहाँ पे आप हर सेक्शन में देख सकते हैं जहाँ जहाँ सरफेस सैंपल लाइन में आ रही है वहाँ वहाँ हमारा मटेरियल जो है वो कंप्यूट हो गया है, ओके। पूरा मटेरियल हमारा कंप्यूट हो चुका है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसकी मज़ीद जो इसके स्टाइल वगैरह हैं वो चेंज करने हैं, ठीक है। उससे पहले जहाँ पे हमें एक मटेरियल टेबल चाहिए, जो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है हमारी, तो मैं किसी एक सेक्शन को क्लिक करता हूँ और मैं ग्रुप प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम टेबल है, ठीक है, ये वॉल्यूम टेबल है, यहाँ पे बेसिक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको
ऐड करता हूँ, ये अभी हमने बनाया था, मैं इसको ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको टॉप राइट में प्लेस करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो मटेरियल टेबल भी हमारा क्रॉस सेक्शन में आ गया है। अभी हम इसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी आई है। ओके, 34890, ओके, ये लास्ट हमारा सेक्शन है जहाँ पे हमारी थोड़ी सी क्वांटिटी आ रही है। इसके बाद जो है, जो हमारी अलाइनमेंट ज़्यादा है उसकी वजह से ये खाली सेक्शन शो हो रहे हैं। तो ये मैंने जानबूझ के रखा है, ठीक है, ताकि हमारा कोई सेक्शन मिस ना हो, कोई थोड़ी सी थोड़ी क्वांटिटी भी है तो वो इसमें हमारी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इस क्वांटिटी को वेरीफाई करते हैं कि ये जो वॉल्यूम डैशबोर्ड में हमने कैलकुलेट की थी ये उसी के हिसाब से आई है या नहीं आई है। तो एनालाइज टैब में वॉल्यूम डैशबोर्ड था, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 34890, 34890, ओके, यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम अपनी सैंपल लाइन का इंटरवल 2 मीटर से कम रखते तो ये जो 0.5 का वेरिएशन है, ये मैंने जानबूझ के रखा है सिर्फ यही बताने के लिए कि जितना ये इंटरवल कम होगा उतनी आपकी एक्यूरेट क्वांटिटी आएगी, ठीक है। आप इंटरवल को अगर इससे भी कम रखते 2 मीटर से तो ये जो 0.5 का कम आ रही है क्वांटिटी, 0.5 m³, तो ये क्वांटिटी हमारी और मज़ीद एक्यूरेट हो जाती, ठीक है। तो क्वांटिटी तक का जो हमने इसमें कर लिया है, बाकी जो इसकी स्टाइलाइजेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। और आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस वीडियो पे तो आप इसको इजीली देख के अपने कम से कम वक्त में आप इसको कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।